ये शहर जो है दरिया के लिहाज से इसलिए भी है कि दरिया का टर्न जो है वो इस शहर को टच करता है, और जब टर्न करता है तो उसके बहुत सारे मंज़र हैं। आप किसी टाइम भी चले जाएं, आपको एक नया व्यू मिलेगा दरिया का। और उसके ऊपर जो है 100 साल पुराना एक तामीर करदा जो है ना अंग्रेज़ दौर का पुल भी बहुत तारीखी है, जो कि ऊपर नीचे है, यानी नीचे से ट्रेन गुजरती है और ऊपर से जो है ट्रैफिक गुजरती है। चिल्लोट जो है वो यहाँ पर पेशे के अतबार से लोग जो है काम करते हैं फर्नीचर का। मैं एक बात बताऊं भाई, पाकिस्तान के आप किसी हिस्से में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं और आपको कुछ ना मिले, मिसाल चार हमारे सूबे हैं, जीबी है, आगे कश्मीर, तो और कुछ ना मिले, चिल्लोटी फर्नीचर ज़रूर मिल जाएगा। और कोई चीज़ ना मिले ना तो आपको चनियोटी फर्नीचर ज़रूर मिल जाए, उसका कोई ना कोई आइटम, हैंडीक्राफ्ट, कोई सोफ़ा, कुर्सी, बेड नहीं। और उसके बाद जो है यहाँ पर शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद भी बहुत तारीखी है, वो आप यूँ समझ लें कि जैसे बादशाही मस्जिद की एक छोटी कॉपी है, बिल्कुल उसी तरह से उसकी सीढ़ियाँ और सारा कुछ, उसके मेहराब वगैरह और वो सब कुछ लगा हुआ। उमर हयात महल जो है ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। उमर हयात महल जो है अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान है, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। रुमानवियत है, रुमानवियत उन शहरों में पाई जाती है जिनमें के छोटी गलियां होती हैं, और ये छोटी गलियां जो हैं ये मोहब्बत की एक अलामत होती हैं, और यहाँ पर बेशुमार छोटी गलियां हैं, और यहाँ पर लोगों के बहुत सारी मोहब्बत की दास्तानें हैं, और एक प्यार मोहब्बत का यहाँ पर माहौल है, और दूसरा ये कि इसी से ही शहर की रौनक है और यही मोहब्बत की एक अलामत है।